भीम के लड्डू धूम मचाए। नहीं नहीं नहीं, भीम के लड्डू ही धूम नहीं मचाते, अम्मी के हाथ के लड्डू भी बहुत धूम मचाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे लड्डू जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होते हैं, ठीक है। और आपको खाने में भी कोई आलस नहीं आएंगे क्योंकि होते ही इतने टेस्टी है। तो हमने यहाँ पर देसी घी में जो गोंद है उसको अच्छे से फ्राई कर लिया, इस तरह फ्राई किया है कि उसमें बिल्कुल मोशन ना रहे, कुरकुरे से हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर हम थोड़े से बहुत ड्राई फ्रूट लेंगे जिसकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, सबकी क्वांटिटी, ओके। तो यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स को हमारे छोटे भाई से जो कि हमारे घर में सबसे फ्री है, तुम्हारे घर में जो सबसे फ्री है उससे अगर काम करवाना ऐसा बात नहीं है, वो अच्छे से हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक एक किलो उड़द की दाल, एक किलो मूंग की दाल ली है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, ओके। तो हम यहाँ पर उकलते हुए अच्छे से गर्म घी में हम यहाँ पर दोनों दाल को मिक्स करके, दोनों आटे के दाल को मिक्स करके और यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको दो हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, एक जो दाल डालेगा और एक जो इस दाल को अच्छे से चलाएगा जिससे लम्स बिल्कुल ना हो। यहाँ पर लम्स होते हैं लेकिन आप चम्मच की हेल्प से इस लम्स को मिटा सकते हैं, जो कि हम एक जैसे बबल्स को मिटाते हैं ना वैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे करके, और आप पूरी दाल को अच्छे से इतना अच्छे से इसको स्मूथ कर लीजिए ना कि ये अपना जो आसपास का घी है ना वो छोड़ने लग जाए, ठीक है। और कम से कम इस प्रोसेस में आपको 1 से 1.5 घंटा लगने ही लगने वाला है भाई, बहुत बहुत मेहनत लगती है, पर अच्छी टेस्टी चीज़ों के लिए मेहनत तो ज़रूर करना पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको चलाइए कि ये थोड़ी आधे से 25 मिनट में आपका ये घी छोड़ देगा, ओके। यहाँ पर हम डालेंगे चीनी, चीनी हम पूरी नहीं वाली डालेंगे, जो भूरा रहता है ना ये डालेंगे। मैंने 2 किलो आटे में 1/2 किलो चीनी ली है क्योंकि यहाँ पर डायबिटीज़ के शुगर के मरीज है मेरी अम्मी है इसलिए। और चीनी डालते से हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा आटा बिल्कुल टाइट और अच्छे से हो चुका है। और यहाँ पर जो हमने कॉर्न फ्राई किया था ना उसको किसी की बाउल के हेल्प से उसको बिल्कुल अच्छे से क्रंच क्रंच सा कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा जो कुटा हुआ मॉइस्चर है इन सबको दोनों मिक्सचर को मिला लेंगे। और यहाँ पर हमने जो आटा को नीचे उतार लिया है और इन दोनों को हम अच्छे से मिलाएंगे। ध्यान रहे बहुत गर्म होता है इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल और अपनी अम्मी के साथ हेल्प जरूर कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स करा है, धीरे 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 मिक्स करो, बहुत गर्म होता है भाई, धीरे करना, ठीक है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको देखोगे इससे तो बहुत टेस्ट लगता है, इसे खाने का मन करता है, लेकिन नहीं, आपको आपके अम्मी के साथ लड्डू बनाने हैं वो भी गोल गोल से प्यारे प्यारे से अंडे की तरह। और इसको सुबह दूध के साथ लो, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय।